हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रमेश राय स्टडी क्लासेस में। चलिए आज हम लोग लेके आए हैं 8.4 का 8.1 का जो 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का बच गया था, आज हम लोग इसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि यदि tan थीटा बराबर 0.75 तब sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए tan थीटा बराबर 0.75 है ना, तो चलिए दशमलव को उड़ाते हैं तो एक आ गया, ये नीचे में आ गया 100। चलिए इसको काटिए तो 25 × 75, 25 × 100। तो एक पहला नंबर क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं तो 3/4 आए, tan थीटा बराबर 3/4। जैसे कि आप लोग को पता है कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया आपका 3 और आधार कितना हो गया 4, तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। तो निकालना क्या है आपका, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है √√ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह सूत्र होता है। तो लंब बताइए कितना है, तो लंब है आपका 3 × 3² + 4² तो 3² कितना होता है, तो 9। 4² कितना होता है, 16। दोनों का आप जोड़ दीजिए कितना हो गया 25। 25 किसका वर्गमूल है, तो 5 का। चलिए ये आ गया आपका 5। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। चलिए ये आ गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि tan b बराबर √3, तो sin b और cos b का मान ज्ञात करें। तो sin b और कॉस बी का मान ज्ञात करें। चलिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टेन बी, तो पहले क्या करते हैं, हम बना लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बी ए बी सी। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर हमको टेन बी बराबर क्या दिया, √3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो इसका मतलब लंब कितना है, लंब आपका √3 है। आधार कितना है, एक है। तो कर्ण क्या करना है, निकालना है। तो कर्ण बराबर अभी जस्ट हम लोग सूत्र क्या पढ़े, लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो लंब कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। 1 का स्क्वायर 1। 3 × 1 कितना हो गया आपका 4। 4 किसका वर्गमूल है, तो 2 का। तो कर्ण कितना निकल के आया आपका 2। अब क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है साइन बी, तो साइन बी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका √3, कर्ण कितना है आपका 2। दूसरा क्या पूछ रहा था, तो कॉस बी, कॉस बी बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2। तो चलिए ये मेरा आंसर आ गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बच्चों देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कहता है यदि tan थीटा बराबर m/n तब cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में क्या कर रहा है, tan थीटा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 5, आधार कितना है आपका, सॉरी लंब कितना है m और आधार कितना है n। तो इसको लिख देते हैं m, ये हो गया आपका n। तो निकालना क्या है आपका, कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो लंब कितना है m, m का स्क्वायर कर दीजिए और n का स्क्वायर कर दीजिए।
तो ये हो गया आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के रूट ओवर। ये निकल के कितना आया, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलिए करने निकल गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, कॉस थीटा का मान हमको बताना है। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है एन, आधार कितना है एन, कर्ण कितना है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलिए उसके बाद देखिए साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है एम, कर्ण कितना है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलिए तो यही मेरा आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यदि साइन थीटा बराबर रूट थ्री तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉस थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए जैसे कि आपको पता है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए इसका साइन थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। सॉरी यहाँ पे थोड़ा था, साइन थीटा बराबर रूट थ्री कॉस थीटा, क्या था रूट थ्री कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करना था। चलिए तो देखिए कॉस इधर गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर रूट थ्री। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, तो ये होता है आपका टेन थीटा का सूत्र। तो ये हो गया आपका रूट थ्री, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक। चलिए उसके बाद देखिए ये क्या है, रूट थ्री बटे ए, मतलब लंब कितना है रूट थ्री, ए कितना है एक, आधार कितना है एक। तो निकालना क्या है आपको कर्ण, तो रूट थ्री का स्क्वायर कर दीजिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब तीन रूट थ्री और आधार कितना था एक, तो दोनों का स्क्वायर करिएगा तो रूट थ्री का स्क्वायर तीन, एक का स्क्वायर एक, तो तीन एक कितना हो गया चार, और चार किसका वर्गमूल है तो दो का। तो यहाँ पर आ गया आपका कर्ण कितना आ गया दो। आपसे क्या पूछ रहा था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब एक बटे दो। साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब रूट थ्री बटे दो। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या कहता है, चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है 18 का एक कहता है, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आपका सूत्र होता है कि आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 21, लंब कितना है 20, आधार बटे लंब। तो निकालना क्या है अपना कर्ण, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या लगाइएगा, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है सर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना सूत्र। लंब कितना था 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर आपका होता है 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो चलिए इसको जोड़ दीजिए तो यह आपका आएगा कितना 841। 841 बताइए किसका वर्गमूल है, तो 29 का है, किसका है 29, तो कर्ण आपका आ गया 29। तो आपसे पूछ क्या रहा है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29। चलिए उसके बाद देखिए क्या है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इसमें कह रहा है कॉस थीटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29। चलिए साइन थीटा बराबर
लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29। तो चलिए ये आपका आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, दो नंबर का कहता है, यदि 15 कॉट थीटा बराबर 18 है तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए कॉट थीटा है तो लिख दीजिए कॉट थीटा, ठीक है। 15 इधर गुना में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 8/15 हो जाएगा। तो अब इसको त्रिभुज बना लीजिए इस तरह से। चलिए तो इसमें क्या कह रहा है कि लंब बटे एक, इसका सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 8, लंब कितना है आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, तो कर्ण क्या निकलेगा, कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो लंब कितना है 5, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना है 64। दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये आपका जोड़ के आएगा कितना 289, 289 किसका वर्गमूल है 17 का, तो ये कितना ना आ गया आपका 17। अब देखिए तो साइन थीटा बराबर पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। सेक थीटा बराबर सूत्र पूछ रहा है, तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। तो चलिए बच्चों ये मेरा आंसर आ गया। आज तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है।